अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से मैश फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं पॉली सरफेस पे और उस पर काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना और वीडियो को अभी से इधर ही लाइक कर दें। तो चलिए बताता हूँ आपको किस तरह से हमने एक मैश फाइल को कन्वर्ट करते हैं पॉली सरफेस में। तो उसके लिए देखिए सॉलिड में जाते हैं आप। सबसे पहले एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, आपने जिस पीस पे करना हो आपने वो करना है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये हमने एक बॉक्स लेना है और F4 दबाना है, ठीक है। F4 दबाने के बाद हम जस्ट एक 15 mm और 20 mm ले लेते हैं। इसकी हाइट हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। हमें एक आइडिया ही करना है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब पहले इस फाइल को हम कन्वर्ट करते हैं मैश फाइल में। यहाँ जाके मैश फाइल में और ओके, ये मैश फाइल में हमारे कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये देखें, अब हमारे पास दो फाइलें बन चुकी हैं, एक मैश फाइल और एक ये पॉली सरफेस। तो ये देखें, अब मिसाल के तौर पर मैंने इस सरफेस के ऊपर काम करना है। अब ये वही हमारी कमान है, ये देखें इंटरप्ट कर्व ऑन सरफेस। इस सरफेस के ऊपर हम लाइन वर्क करना चाहें तो ये उसके ऊपर काम आती है हमें, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर काम करना चाहें तो ये देखिए जो कमांड है हमारी, इसके ऊपर काम करेगी, ये काम कर रही है, ठीक है, ओके। अब अगर इसी कमांड को मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो ये कभी भी नहीं होगी, ये सरफेस सिलेक्ट ही नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये हमारे पास मैच सरफेस है, ठीक है। तो मैं इसको, इस वाली सरफेस को मैं बंद कर देता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सरफेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पॉली सरफेस, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं मैश नर, ये देखिए मैश टू नर, सबसे ऊपर ही हमारी कमान आ गई, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे हमने क्लिक किया उसने हमारी डबल सरफेस बना, ये देखिए एक मैश और एक पॉली सरफेस। एक पॉली सरफेस को हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और अब देखिए ये मैश फाइल थी और ये हमारे पास पॉली सरफेस आ गई। अब अगर हम इस कमांड को इस पे इस्तेमाल करना चाहें तो ये देखें नहीं हो रही, लेकिन अगर हम इस कमांड को इसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहें तो ये काम करेगी हमारी, ये देखें ये ऐसे, ठीक है, ये हमारी काम कर रही है। तो और चीज आपको एक और बताऊं, आप चीज देख रहे होंगे इसके अंदर कि इसमें फेसेस बने, ये उसी तरह से फेसेस बने जैसे पीस प्लेन में हमारे बनते हैं, या जब उसमें फेसेस में इसको कन्वर्ट करते हैं ये उसी तरह के फेसेस बन चुके हैं। अब हम अपनी मर्जी से इसको जैसे चाहे शेप दे सकते हैं, जैसे इसकी शेप बना सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं इसको पहले ब्लास्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से पॉइंट उठा के इसको पॉइंट को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ साइड व्यू में जाके इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रोटेट वाली पोजीशन में ले आता हूँ यहाँ से, ये चीज़ ये हमने कर दी, ठीक है, ये हमने ऐसे कर नीचे रहने दिया। अब ये देखिए इसका मैं डुप्लीकेट एज लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने लॉक किया तो ये देखिए ये शेप हमारे बन गई। उसके बाद यहाँ का डुप्लीकेट एज लेते हैं और इसको भी हम लॉक कर देते हैं। तो ये देख ये चीज़ हमारे पास रेडी हो गई। उसके बाद मैं इसको मिरर कर देता हूँ यहाँ से ये पॉइंट पकड़ के, और जैसे ही मैंने इसको मिरर किया तो ये सिर्फ आ गया, और इसको ज्वाइंट करते हैं। तो ये देखिए जैसे ही मैंने ज्वाइंट किया तो सरफेस के अंदर ही हमारी एक नई शेप तैयार हो गई है। देखिए सरफेस के अंदर ही हमारी एक नई सरफेस रेडी हो गई, जैसे हम टी स्प्रिंट के अंदर फेसिस को पकड़ के उठाते हैं, ये वो चीज़ हो गई हमारी। अब देखें दूसरी तरफ, अगर मैं इस सरफेस को ब्लास्ट मैंने किया और इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको हल्का सा रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखे इस पीस को हल्का सा रोटेट किया, मैं मजीद को रोटेट करता हूँ यहाँ पर, सॉरी इस पीस को रोटेट करता हूँ हल्का सा मजीद, ठीक है। और अब मैं इसको देखिए इसको भी डुप्लीकेट एज लेके इसके इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉक किया तो ये देखिए ये हमारे पास सरफेस, और इसका डुप्लीकेट एज लेता हूँ, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, ये हमारे पास ये रेडी हो गई। अब दोबारा मैं इसको ज्वाइंट करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे पास एक नई सरफेस रेडी हो, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ये देखिए हमारे पास। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारी एक नई सरफेस, सरफेस के अंदर हमने एक और शेप सरफेस की बना ली है, ये इस तरह से। अब हमारी मर्जी है, हम इसको ग्लॉस करके जैसी मर्जी जैसी शेप बना सकते हैं, केज एडिट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना जहन कहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ तक हमारा दिन चलता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, छोटा सा पॉइंट इसका कोई मसला नहीं है, शेप कर देता हूँ, ठीक है। और केज एडिट में जाते हैं, केज एडिट में जाके यहाँ पे इसको बाउंड्री बॉक्स सी प्लेन और ये, तो अब देखिए मैंने इसको पॉइंट दे दिए, ठीक है, केज एडिट में जाके। अब मैं इसको ये पॉइंट पकड़ के यहाँ से इसको बाहर निकाल दूँ, ठीक है, ये देखिए
किस तरह से इसके फेस ये रेडी होती है। जितना मर्जी चाहे इसको हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, हमारे पास ये एक नई शेप हमारे पास रेडी हो गई, इसको हम स्केप करते हैं तो ये ठीक है। ये देख ये देख ये एक नई शेप, जैसे टी स्प्लेन में हम काम करते हैं उस तरह हमारे पास ये शेप इसकी रेडी हो गई। अब उसी तरह से मैं अगर इसको लॉक और अनलॉक करता हूँ, इसको मैं केज एडिट कर देता हूँ ठीक है। ओके एडिट करके मैं इसको यहाँ से इन पॉइंट को मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ ठीक है, इसको यहाँ से हाइड करता हूँ ठीक है, और इन पॉइंट को मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ ठीक है। इसको मैं खोल लेता हूँ और इन फेसिस को मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से भी अनसेलेक्ट, और इस फेस को मैं पकड़ के यहाँ से ऐसे उठा लेता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल जैसे हमारे फेसिस उठते हैं हमारे ठीक है, हमने इसी तरह से इसके फेसिस उठाए यहाँ से, इसको हम अनसेलेक्ट कर देते हैं, इसको स्केप कर देते हैं। अब उसी तरह से अगर हम चाहें तो इसके भी फेसिस हम उसी तरह से उठा सकते हैं, ये देखिए सी प्लेन ठीक है। अब इसके हम सिर्फ ये वाले जो फेस है हमारे, हम ये उठा लेते हैं ठीक है। इसको हम अनसेलेक्ट कर देते हैं, इसको भी अनसेलेक्ट कर देते हैं और इसको खोलते हैं ठीक है। और देखिए यहाँ से इसको हमने ऐसे ये देखा ये हमारी सरफेस यहाँ से उठ गई। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ें करके मुख्तलिफ केज एडिट पॉइंट देके केज एडिट करके इसको इस तरह की हम सरफेस वगैरह बना सकते हैं। तो आई होप सो कि आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम मैच फाइल को पॉली सरफेस में कन्वर्ट करते हैं और इससे मुख्तलिफ काम हम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और इस तरह के कोई सवाल आपके दिन में हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।